जिले की सभी अशासकीय शालाओं के संचालकों, प्राचार्यों को छात्रों के पालकों से ड्रेस, किताबें, कॉपी आदि स्कूलों से ही क्रय करने बाध्य नहीं करने के निर्देश जिला शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की बातें कही गई। जिले में संचालित कई अशासकीय स्कूलों के संचालकों द्वारा विद्यार्थियों के पालकों से स्कूलों से ही कॉपी, किताब, ड्रेस आदि खरीदने बाध्य किया जाता रहा है। बाजारों की अपेक्षा स्कूलों द्वारा कॉपी, किताब, ड्रेस आदि को अतिरिक्त मूल्यों पर पालकों को उपलब्ध कराया जाता है। अब स्कूलों से ही वस्तुएं खरीदने की बाध्यता पर जिला शिक्षा विभाग ने विराम लगा दिया है। साथ ही स्कूल संचालकों को सूचना पटल पर विभाग का निर्देश चस्पा करने को कहा गया है। जिस स्कूल द्वारा पालकों पर स्कूल से ही वस्तुएं खरीदने को बाध्य करने की शिकायत यदि विभाग को प्राप्त होती है तो उस स्कूल की मान्यता ही समाप्त कर दी जाएगी। इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी अभय कुमार जायसवाल ने दी। सर, अभी लगातार देखा जा रहा है कि सर जो प्राइवेट हो स्कूल संचालक हैं वो पालकों को सर अपने स्कूलों से ही तमाम तरह की चीज़ें खरीदने को बाध्य करते हैं, इस तरह की सर जिससे परेशान होना पड़ता है पालकों को। नहीं नहीं, सभी अशासकीय शालाओं को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सूचना पटल पे भी उन्हें पाठ्य पुस्तक और ड्रेस खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं पालक, इस तरह की सूचना पटल पर भी उन्हें लगाने बोला गया है। और किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होगी तो उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल शिक्षा विभाग के निर्देश से जिले के लाखों पालकों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, साथ ही स्कूल संचालकों की मनमानी पर भी विराम लगेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।